दोस्तों बिग बॉस और एक्स कंटेस्टेंट का रिश्ता कुछ वैसा ही है जैसे एक सास और एक बहू का होता है, मतलब ना सास बहू के पीछे, बहू सास के पीछे, और कुछ ऐसा ही एक्स कंटेस्टेंट भी है। ये हमेशा से जो प्रेजेंट कंटेस्टेंट होते हैं उनके पीछे पड़े होते हैं और उनके बारे में बात कर रहे होते हैं। इसके एक बेसिक सा रीज़न ये भी है कि जो कंटेस्टेंट समझ लो सोशल मीडिया पर ज़्यादा एग्जिस्ट ही नहीं करते, उनको थोड़ी सी हाइप मिल जाती है इस सीज़न के बारे में बात करके, और कुछ लोग जो हैं उसको कवर भी कर लेते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं फीफा फूज और मेरा नाम गणेश कांदू है। इस समय एक कंटेस्टेंट है लव कटारिया बिग बॉस के, जिनको बाहर से ऑलरेडी अल्पेश यादव का बहुत अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है, और शायद इसी के चलते बहुत सारे लोग जो हैं वो लव कटारिया पर बात करना प्रेफर भी कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी दिख रहा है। बिकॉज अगर एक्सेसिव रीच आप देखोगे अल्पेश यादव का फिलहाल के टाइम पर ट्विटर पर 345 मिलियन के अप्रॉक्स है। शायद इसी वजह से बार बार अरमान मलिक भी उनके नाम का माला जाप कर रहे हैं, और इसी वजह से अब एक और एक्स कंटेस्टेंट है किशोर मर्चेंट, उन्होंने ट्वीट किया है लव कटारिया को लेकर। आप देख सकते हो ट्वीट है किशोर का। किशोर लिखती हैं, कटारिया चेक्ड हर आउट एंड सेड, साले अब मैं समझता हूं तू क्या बोल रहा था, एंड स्टिल इन द टास्क ही स्पोक अबाउट विशाल कमेंटिंग ऑन गोलू इन द गार्डन एरिया, दे वर नॉट अवेयर ऑफ इट, देर वॉज नो नीड, ही कुड हैव जस्ट स्पोकन अबाउट अदर घर की चीजें, इज ही इवन अ फ्रेंड। तो किशोर मर्चेंट को सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जिस सीजन में वो बिग बॉस में थी उनके हाथ से ट्रॉफी कोई और ले गया तो उनको उस चीज का गम होगा। सीजन 9 की बात कर रहा हूं मैं, और अब इस सीजन में मैं बात करूं तो आप अगर किशोर मर्चेंट जी, अगर आपने पूरी तरीके से बिग बॉस देखा होता, वो एपिसोड ध्यान से देखा होता जिसमें भाग्यशाली भैया वाली बात थी और उसके पहले की भाभी सुंदर दिखती है, सुंदर लगती है जब वो वाला पार्ट भी था, और जिस टास्क की आप बात कर रहे हो कि कटारिया उस चीज के बारे में नहीं बोल सकता था, अगर कोई आप पर उंगली उठाएगा ना तो उसके एवज में जवाब देना आपका फर्ज बनता है, और यही चीज लवकेश कटारिया ने की। उन्होंने बोला भी कि मैं इस चीज के बारे में नहीं बोलना चाहता था लेकिन मुझे इस चीज के बारे में बोलना पड़ रहा है जब इसने सवाल उठाया तो। और आपके सीजन में भी इस तरीके की चीजें हुई है किशोर मर्चेंट जी, बाकी आप खुद समझदार हैं, लेकिन फिलहाल इस पर जनता की क्या राय है जरूर बताइएगा हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, धन्यवाद।